नमस्कार, जीएस डेली रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए डोसा तवा की अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है वो मेरा अपना पर्सनल व्यू है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस तवे को मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है और ये मुझे 499 रुपए प्लस 80 रुपए डिलीवरी चार्ज के साथ 579 यानी कि 579 रुपए का पड़ा है। ये एमके किचनवेयर का तवा है। ये आयरन का फ्लैट डोसा तवा है। इसका डायमीटर 12 इंच है। डोसा बनाने के लिए 12 इंच बिल्कुल परफेक्ट है। इसके साथ आप वीडियो में देख सकती हैं, ये तवा बिल्कुल फ्लैट है। आगे से पीछे से दोनों तरफ से आप देख सकती हैं, ये डोसा तवा बिल्कुल फ्लैट आयरन डोसा तवा है। ये मेरा नॉर्मल रोटी बनाने का तवा है जो हर घर में 9 से 10 इंच का होता है। अगर आप इस तवे को ध्यान से देखें तो ये तवा बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है, बल्कि ये बीच से थोड़ा गहरा है। रोटी या पराठा बनाने के लिए हमें ऐसे ही तवे की जरूरत होती है और ये फ्लैट तवा डोसा बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। इस तवे का हैंडल स्टेनलेस स्टील का है जो इस तवे को बहुत ही अच्छी तरह से होल्ड करता है और ये तवा भी हैवी है, जिससे मुझे लगता है कि इस पे हम अच्छा डोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब डोसा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्टिकर को हटाएंगे, जिसके लिए मैंने इसे गैस पर रखकर थोड़ा गर्म कर लिया है। गर्म हो जाने से स्टिकर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो स्टिकर निकल चुका है, गैस बंद करके तवे को ठंडा करेंगे और मैंने इसे नॉर्मल डिशवॉशर से धुलकर साफ कर दिया है। फिर से गैस पर रख लिया है, तवा गर्म कर लेंगे। मैंने कपड़े की हेल्प से इस तवे को अच्छी तरह से पोंछ लिया है। तो अब हमारा तवा सूख चुका है। इसके बाद हम इस पर एक चम्मच तेल डालेंगे और इसे कपड़े से ही पूरे तवे पर फैला लेंगे। इस तरह से घुमाते हुए हम तेल को तवे पर फैला लेंगे और अब हम तवे को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं इस पर से धुआं निकलने लगा है। तो अब हम इस पर पानी के छींटे डालेंगे इस तरह से और इसे कपड़े से पोंछ लेंगे। एक से दो बार पानी का छींटा डालेंगे इस पर और कपड़े से मैंने इसे पोंछ लिया है। तो चलिए अब डोसा बनाते हैं। तो ये इस तवे पर पहला डोसा है। तो मैंने डोसा बैटर डाला और उसे इस तरह से गोल घुमाते हुए हम तवे पर फैला लेंगे। फिर ऊपर से एक चम्मच तेल डालेंगे और इसे थोड़ा सिकने देंगे। डोसा हमारा सिक चुका है, इसका कलर अब चेंज हो चुका है। तो चलिए इसे अब पलट लेते हैं। तो पहला डोसा ये तवे से बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं छूटा। तो मैंने इसे ऐसे ही निकाल दिया। अब चलिए तवे पर दूसरा डोसा बनाते हैं। तो तवे को तेल लगाकर चिकना कर लिया, पानी का छींटा दिया, फिर उसे भी पोंछ लिया और अब इस पर मैंने डोसा बैटर डाला और उसे इस तरह से पूरे तवे पर फैला लिया है। एक डोसा बनाने के बाद तवा हमारा बहुत चिकना हो चुका है, तो अब मैंने इस पर दूसरा डोसा बैटर फैला लिया है और थोड़ा तेल ऊपर डाला है और अब हम फिर इस डोसे को थोड़ी देर सिकने देंगे। इसे हम सिकने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। थोड़ी देर सिकने के बाद डोसे का कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकती हैं। तो अब हमारा डोसा एक तरह से सिककर तैयार हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये किनारों से तवे को छोड़ने लगा है और ये बहुत ही आसानी से तवे से अलग हो जा रहा है। तो इस तवे पर हमारा दूसरा डोसा है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। डोसे का कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो डोसा बनकर बिल्कुल तैयार है और ये अच्छा और बड़ा डोसा भी बना है। तो चलिए हम एक और डोसा बना लेते हैं। तो सबसे पहले तेल लगाकर तवे को चिकना कर लिया, इसके बाद इस पर हम पानी का छींटा डालेंगे और फिर इस पर बैटर डालेंगे और डोसे को फैला लेंगे। इस पर डोसा भी काफी बड़ा बनकर तैयार हो रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से सिककर भी तैयार होता है। तो ये तवा मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा।
अगर आपको भी अच्छा लगा है और आप भी इसे लेना चाहती हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बैटर को फैलाने के बाद मैंने इस पर एक चम्मच तेल डाल लिया है। तेल को हम हर तरफ से डालेंगे, फिर हम इसे सिकने के लिए रख देंगे। 3 से 4 डोसा बनाने के बाद आपको बार बार तवे पर तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब ये डोसा एक तरफ से सिक चुका है और ये डोसा भी बहुत ही आसानी से तवे से अलग हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, इस पर हर डोसा बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार भी होता है। तो हमारा ये डोसा भी बनकर तैयार है। अगर मैं आपको इसे तोड़कर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट है। बहुत सारे डोसा तवा को सर्च करने के बाद ही मुझे ये डोसा तवा अच्छा लगा है, तभी मैंने इसे ऑर्डर किया था और मुझे ये बहुत पसंद आया है। तो अगर आपको भी मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने सवाल या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ अब आपसे अपने अगली किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।